दोस्तों आज का लेक्चर हम लोग राहत साहब के एक बहुत ही अच्छे शेर के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। आशा करता हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड वो शेर एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो शेर ऐसा है फ्रेंड कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। आशा करता हूँ फ्रेंड ये जो सेकंड लाइन में अभी बोलने वाला हूँ ये आपको और भी ज्यादा पसंद आएगी, फर्स्ट लाइन से भी ज्यादा अच्छा लगेगी आपको ये वाली लाइन। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। कट गई है उम्र सारी जिनकी, कट गई है उम्र सारी जिनकी, पत्थर तोड़ते तोड़ते अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको शेर बहुत अच्छा पसंद आया होगा। चलिए अब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आज का फ्रेंड हमारा मेन टॉपिक क्या है, मल्टीप्लाई एनी टू डिजिट नंबर्स। कोई भी टू डिजिट नंबर आएगा फ्रेंड तो ये ट्रिक वो टू डिजिट नंबर पर काम करेगी। ये भी शॉर्ट ट्रिक है फ्रेंड, नॉर्मल मेथड तो आपको आता ही है, स्कूल में भी हमने सीखा है। ये ट्रिक कभी काम आएगी, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, ये ट्रिक हर जगह पे आपको हेल्प करेगी। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से आप ये ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो अपने क्वेश्चन पर। इसका बेनिफिट क्या है फ्रेंड, आपका टाइम बचेगा। मतलब आप सम सॉल्व कर रहे हो तो जो कैलकुलेशन आप 10 सेकंड में करते थे अभी आप 5 सेकंड में ही कर लोगे, इससे आपका टाइम बचेगा। जिससे आप क्या होगा, जिससे आपका पेपर कंप्लीट होगा। जो पेपर पहले छूट जाता था मतलब टाइम में कंप्लीट नहीं होता था, ये कैलकुलेशन मेथड की वजह से आपका पेपर कंप्लीट होने लगेगा। तो चलिए अभी हम लोग ये ट्रिक को सीखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे मैंने पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, वो क्या है फ्रेंड, मल्टीप्लाई एनी टू डिजिट नंबर। इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, मल्टीप्लाई एनी टू डिजिट नंबर्स बाय शॉर्ट ट्रिक। यहां पे देखो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 23 into 22। और याद रखना फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये जो ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूं ये कोई भी टू डिजिट नंबर पर अप्लाई होगा, ना कि कोई पर्टिकुलर नंबर पर। ये कोई भी आप टू डिजिट नंबर पर अप्लाई करके अपने आंसर को फाइंड कर सकते हो और बहुत ही कम टाइम में फाइंड करोगे। तो यहां पे देखो 23 into 22 दिया है। नॉर्मल मेथड तो आपको आता है कितना टाइम लगेगा, नॉर्मल मेथड से अगर मैं करने जाऊंगा तो क्या होगा, 2 3 6 होगा, फिर 2 2 4 होगा, फिर 2 3 6, फिर 2 2 4 होगा, राइट। अब क्या करता हूं मैं इसको ऐड करता, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, 1 कह लिया है, ये कितना आया 506 हो गया फ्रेंड। ये हमारा नॉर्मल मेथड है, बट जो मैं मेथड आपको अभी सिखा रहा हूं उससे आप इससे भी कम टाइम में आंसर फाइंड कर लोगे। तो हमारा मेथड का रूल क्या है फ्रेंड, 3 स्टेप में आपको सिखाने वाला हूं। 3 स्टेप कैसे हैं, स्टेप 1 देखो, स्टेप 1 में आपको क्या करना है कि जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है इसको मल्टीप्लाई करोगे। 3 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड, 6 हो जाएगा, आपको यहां पे लिखना है। अब स्टेप 2 पे जाओ, स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है फ्रेंड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। इसका और इसका आप क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन करोगे। देखो 2 2 4 हुआ, 3 2 6 कितना हुआ, ऐड करने के बाद 10 आया फ्रेंड। तो अभी क्या करना है, 10 को यहां पे लिखना है, 10 नहीं लिखना है फ्रेंड। ऑलवेज आपको याद रखना है कि आप सिंगल डिजिट ही वहां पे रिप्रेजेंट करोगे। मतलब अगर 10 आया तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 0 लिखूंगा, 1 क्या होगा फ्रेंड, मेरा कैरी जाएगा। ये सारे सम में आपको अप्लाई करना है, 1 कैरी गया। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप, स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 2 2 4 + 1 कितना आया फ्रेंड, 5 आ गया ना आंसर। ये हुआ हमारा शॉर्ट ट्रिक फ्रेंड, इससे आप फटाफट आंसर फाइंड कर सकते हो। जहां आप यहाँ पे 3 टाइम्स लिख रहे थे आप यहाँ पे एक ही बार लिख के आंसर फाइंड कर सकते हो। चलिए एक दो सम और करते हैं और फटाफट आंसर फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड मैंने, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, 3 3 क्या होता है, 9 होता है, मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4 3 12, 3 2 6, 12 + 6 कितना होता है, 18 होता है, 18 का कितना लिखना है, 8 लिखना है, 1 कैरी गया, 4 2 8 + 1 कितना हुआ फ्रेंड, 9 हो गया, आंसर आ गया। ऐसे ही करना है फ्रेंड, कितनी कमाल की ट्रिक है। कोई भी टू डिजिट नंबर लो और फटाफट आंसर फाइंड करो विद इन अ सेकंड, कितना मजेदार ट्रिक है। इसका आंसर कितना है फ्रेंड, 989। चलिए अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं, 3 3 कितना हो गया फ्रेंड, 9 हो गया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन करना है, 3 3 9, 3 3 9, 9 9 18 हो गया फ्रेंड। तो यहाँ पे 8 आया, 1 कैरी गया, 3 3 9 + 1
10 आ गया फ्रेंड, आंसर आ चुका है। ऐसे ही करना है, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। आंसर कितना आया? 1089 आ गया इसका आंसर फ्रेंड। ऐसे ही करना है, फटाफट करो, बहुत ही मजा आएगा फ्रेंड। अभी ये आपको करना है, कैसे करना है देखो। 6 1 6 यहाँ पे 6 आ गया, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन स्टेप 2। 3 1 3 हो गया, 6 2 12 प्लस 3 कितना हुआ? 15 का ये कितना आएगा फ्रेंड? 15 का 15 पूरा लिखूं? नहीं, कितना लिखना है? 5 लिखना है, 1 कैरी जाएगा। 3 2 6 प्लस 1 कितना? 7 आ गया आंसर। ऐसे ही करना है। एक बार फिर से मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, इसमें फटाफट नहीं करूंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं मैं। अब देखो स्टेप 1 में क्या करना है, 9 3 जा कितना? 27 का मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 7 लिखूंगा। 27 नहीं लिखना है फ्रेंड, 2 डिजिट कभी भी नहीं लिखना है आपको, ऑलवेज 1 डिजिट को ही रिप्रेजेंट करना, मतलब यूनिट डिजिट को ही लिखना है। तो यहाँ पे मैंने 7 लिखा, 2 जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 कैरी आ गया, 2 कैरी मैंने यहाँ पे लिखा। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन करना है। 9 9 जा कितना हो जाएगा फ्रेंड? 81। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? 81 लिखता हूँ। 3 1 जा कितना हो जाएगा फ्रेंड? 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने, इसको एड कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। 84 प्लस 2 कैरी कितना? 86। तो ये टोटल कितना हुआ फ्रेंड? ये हो गया 86। अभी 86 का पूरा 86 यहाँ पे लिखना है फ्रेंड? नहीं लिखना है। कितना लिखना है यहाँ पे? 6 लिखना है। तो यहाँ पे मैंने 6 लिखा। अभी जो 8 बचा है ये मेरा ऑलरेडी कैरी बन चुका है। अभी क्या करना है? 9 1 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा फ्रेंड? 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 17 लिख दूंगा। आंसर आ चुका है फ्रेंड। क्या है इसका आंसर? 1767। ये मेरा आंसर है। ये 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है फ्रेंड। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कि ये कोई भी 2 डिजिट नंबर पे अप्लाई हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर नंबर रहेगा उस पे ही अप्लाई होगी। अगर आप ये ट्रिक सीख चुके हो फ्रेंड, तो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, खुद से क्वेश्चन लो, खुद से सॉल्व करो, और जो आंसर आता है उसको कमेंट करके बताओ। कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं हेल्प करने के लिए 24/7 अवेलेबल रहता हूँ फ्रेंड। तो क्या करना है आपको, इस कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छी तरह से सीखना है। इसका फायदा ये होगा कि आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। या फिर अगर आप स्कूल में हो तो ये ट्रिक को सीखो और अपने कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज करो, और साथ ही अपने फ्रेंड को भी सिखाओ ये ट्रिक, उनको भी सिखाओ कि देखो ये ट्रिक भी है जिससे हम लोग कैलकुलेशन स्पीड को अपनी इंक्रीज कर सकते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें, साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड ऐसे मैंने बहुत सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखी है, खास करके कैलकुलेशन ट्रिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बहुत सारी बना रखी है, वो सारी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और याद रखना फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, जितने फ्रेंड है आपके पास सबके पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए फ्रेंड। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद आपका।